जिंदाबाद 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 भारत के जनवर के जिंदाबाद 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 जरूरत जिंदाबाद 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 पीछे ना आयो प्रभो के सर्वोपचाराते चलिए वहां से हम पता दीजिए तो क्या कर रही है? क्या शुद्धिकरण चल रहा है? शुद्धिकरण और प्रतिष्ठापना, प्रतिष्ठापना की विधिवत तरीके से संगठन का आई उधर उसी पर निकल चल आई भारतीय पोटेंशियल स्वयं सेवक है, कोई सक्रिय है, कोई निष्क्रिय है, कोई बैठा हुआ है, कोई नहीं है। तो बड़ी उदार विचारधारा उनकी है, इसलिए उसको किसी एक दल के दायरे में सीमित रखना आज से जो हमारा महानगर जिला है इसका कार्यालय खुल रहा है। पूर्वी पश्चिमी जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र और कोटका विधानसभा क्षेत्र, इन सभी में संयोजक बहाल हो गए हैं। ये लोग अपने संगठन का काम करेंगे। मेरी भूमिका जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है। आगे जब यहाँ हम लोग थोड़ा कुछ कर लेंगे तब आगे और इसका विस्तार कैसे करें सब लोग विचार करके सोचेंगे। तो दीनदयाल जी तो हम लोगों के भी मार्गदर्शक हैं। कोई बीजेपी ने इनको पेटेंट तो नहीं कराया है, न विचारधारा को ही पेटेंट कराया है। अगर पेटेंट कराया होता तो कितना उससे अलग जा रहे हैं इसका भी जवाब उनको देना पड़ता। तो हम लोग दीनदयाल जी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। ये पांच महापुरुषों के विचारों का जो पंचमेल है इन सभी से हम लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे। गांधी जी का विचार दर्शन है, सामाजिक न्याय की बात बाबा साहेब अम्बेडकर का है, डॉक्टर लोहिया एक स्पष्टवादी छवि के राजनेता रहे हैं, जयप्रकाश जी की स्वीकृति सब में थी, और दीनदयाल जी एकात्मवादी फिलॉसफी के प्रतीक है। ये पांचों जो लोग हैं इन पांचों महापुरुषों के विचारों में जो विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं को लेकर हम लोग चलेंगे। इसलिए दीनदयाल जी की तस्वीर यहाँ है, कल जेपी की भी लग सकती है, बाबा साहब की भी लग सकती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद गांधी जी की भी रहेगी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो जनसंघ के संस्थापक थे, तो हम सभी तो जनसंघ के स्थापना काल से जुड़े हैं, इसलिए ये सभी महापुरुष हम लोगों के लिए स्वीकार है। फिर मारांडी जी तो जैसे कहा तो ना, कोई जहाज समुद्र के बीच में चला जाता है और ऊपर कोई पंछी है उड़ता है फिर वहीं पर आ जाता है, जैसे उड़ जहाज के पंछी पुनी जहाज पर आवे। तो समुद्र में कोई जहाज है उस पर के पंछी के लिए कहा जाता है, जमीन धरती का की वास्तविकता कुछ अलग है। बाबूलाल जी 14 साल तक आकाश में उड़ते रहे, पर हैं थक गए फिर आगे जहाज पर बैठ गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, हम लोग तो अभी एक पार्टी के रूप में संगठित नहीं हुए हैं,
जब हमारे साथी महसूस करेंगे कि हमको एक पार्टी के रूप में संगठित होना है तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तब तक के लिए तो हम लोग इंडिपेंडेंस इंजॉय कर रहे हैं, स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं। नई स्फूर्ति नया उत्साह के साथ संगठन का कार्य हो, आम जनता का कार्य हो, तो ये ईश्वर की कृपा से सभी लोग ये पूजन विधि से हवन वगैरह सारा किया गया है। शुद्धिकरण होने से ये पूरा कार्यालय का शुद्धिकरण हो जाएगा। जहाँ भी आएंगे तो आम लोग को यहाँ से फल मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, जो उनकी समस्या है उसको हल होने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए शुद्धिकरण का कार्य किया गया। पहले भारतीय जनता पार्टी का महानगर ये भारतीय जनता पार्टी महानगर का कार्यालय था, अब ये कार्यालय परिवर्तित होकर भारतीय जन मोर्चा का कार्यालय हुआ है। चूँकि आदरणीय सहजीव राय जी इस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं और जन मोर्चा के जिला में पूरी हर एक विधानसभा में इकाई गठित हुई है इस जिले में, और जिला का मुख्य कार्यालय होगा और यहाँ से संगठन के पूरे कार्य संचालित होंगे। आम जन की जो तकलीफें हैं, समस्याएँ हैं, जो सुनी जाए वो यहाँ से पूरे ज़िले के जो समस्याएं हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए केंद्र एकदम मेन स्पॉट पर है, शहीद चौक के सामने है, सब लोग को ज्ञात है। आज से जन मोर्चा का कार्यालय है, अर्थात जनता का कार्यालय है ये। जन मोर्चा मतलब जनता का कार्यालय है, जनता सीधे आएगी और अपनी समस्या का हल कराएगी।